नमस्कार दोस्तों, आज हम वास्तु में बात करेंगे चार ऐसे बेडरूम के डिफेक्ट्स की जिस वजह से हस्बैंड वाइफ का तलाक तक हो सकता है। दोस्तों, बेडरूम एक जगह होती है जहाँ पे इंसान जाके रिलैक्स होता है और कंफर्टेबल फील करता है, बट अगर वही बेडरूम गलत डायरेक्शन में आ जाए तो वो आपका तलाक तक करा सकता है, या उस बेडरूम में कोई ऐसा डिफेक्ट हो जिसकी वजह से आपका रिलेशन ख़राब हो या रिलेशन तलाक तक पहुंच जाए। आज ऐसे ही चार वास्तु डिफेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहला वास्तु डिफेक्ट आता है दोस्तों, बेडरूम में कहीं पे भी कोई कट कॉर्नर बन रहा हो। बहुत बार आपने देखा होगा कि एंट्री बेडरूम में हो गई है, उसके बाद एक गैलरी टाइप बनी हुई है, उसके बाद आपका बेडरूम। 90% होटल्स में ऐसा होता है। अगर उसी टाइप का आपके घर में बेडरूम बना हुआ है कि कोई कट बन रहा है या एक्सटेंशन बन रहा है, वो स्ट्रेस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से एंगर इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं और आपका तलाक तक हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी वजह बन सकता है, ये डिफेक्ट वास्तु का आप एक बहुत बड़ी वजह बन सकता है जिसकी वजह से आपका तलाक हो। दूसरा डिफेक्ट आता है दोस्तों मिरर का। आपके बेडरूम में कभी भी एज पर वास्तु मिरर होना ही नहीं चाहिए, और अगर किसी भी कारणवश आपके बेडरूम में मिरर लगा हुआ है तो वो बेड को फेस करता हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब उस मिरर में आपका बेड रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। किसी भी वजह से अगर आपका बेड रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो आपके रिलेशन को बहुत ज़्यादा ख़राब करा सकता है, बिगाड़ सकता है, वो तलाक तक की नौबत ला सकता है। तीसरा वास्तु डिफेक्ट आता है दोस्तों, बेड बहुत बार आपने देखा होगा बीम के नीचे आ रहा होता है, ऊपर से बीम जा रहा होता है। अगर आपके बेडरूम में भी अगर ऐसा है तो ये सबसे पहले आपके लिए हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकता है, दूसरा आपके रिलेशनशिप को अनस्टेबल बनाएगा ये चीज़। अगर आपके भी बेडरूम में बीम जा रहा है, आपके बेड के ऊपर से कट कर रहा है, तो वहाँ पे फॉल सीलिंग कराएं, जो पीओपी वर्क होता है वो आप कराइए, और उस बीम को सबसे पहले आपको फॉल सीलिंग के अंदर दबवाना है। चौथा डिफेक्ट आता है दोस्तों, गलत दिशा में बेडरूम। अगर किसी भी मैरिड कपल का बेडरूम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो, ईस्ट में हो, साउथ ईस्ट में हो, नॉर्थ वेस्ट में हो, तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है। ऐसे कपल्स जो कि जिनका बेडरूम इन डायरेक्शंस में आता है, साउथ ईस्ट कॉर्नर से लेके नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक आ रहा है, किसी भी जगह से साउथ ईस्ट में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में या नॉर्थ वेस्ट में, अगर किसी भी जगह पे आ रहा है तो ध्यान रखिए वो अपना बेडरूम हो सके तो आज ही चेंज करें, और अगर चेंज नहीं कर सकते तो उसकी रेमेडी करें। बहुत छोटी छोटी दोस्तों रेमेडीज़ आप कर सकते हैं, अपने बेडरूम को ठीक कर सकते हैं और अपने रिलेशन को टूटने से बचा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।